बेटमा और देपालपुर तहसील क्षेत्र में लगातार चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पुलिस की नाकामयाबी के बीच चोरों के हौसले बुलंद है। बेखौफ चोरी की यह घटना देपालपुर की है, जिसमें चोरों के हौसले इतने बुलंद है, अल सुबह पुलिस की नाक नीचे ही पुलिस SDOP के घर सहित 4 सुने मकानों को अपना निशाना बनाया और चोरी की घटना को अंजाम देकर 9:02:11 हो गए। चोरी की यह घटना CCTV में कैद हो गई। पहले चोरों ने एक वकील के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें करीब 15,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया, तो वहीं दूसरी घटना में देपालपुर की भोलेनाथ कॉलोनी स्थित एक मकान में चोरों ने हाथ साफ किया, जहां से लाखों रुपए के जेवरात तथा नकदी की चोरी का अनुमान है, क्योंकि यहां कुछ दिनों बाद बेटे की शादी होने वाली है। उक्त परिवार राजस्थान गया हुआ है, उनके आने के बाद ही चोरी कितनी हुई है इसका पता चल पाएगा। यहाँ भी चोर निकलते हुए CCTV कैमरे में कैद हो गए, तो वहीं तीसरे मकान से चांदी के जेवरात चुराए। इसके बाद चोरों ने अपने बुलंद हौसले दिखाए और देपालपुर पुलिस SDOP के घर भी हाथ साफ कर दिया। जहाँ जहाँ चोरी हुई वहाँ वहाँ यही 3 चोर और एक पल्सर गाड़ी नजर आ रही है। उक्त घटना सुबह 4 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच की है। वहीं अब CCTV के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।